हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक टॉपिक का नाम है न्यू पार्लियामेंट हाउस आप सभी को बताया फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है इसका इनाग्रेट कर दिया है न्यू दिल्ली में तो इससे रिलेटेड मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ न्यू पार्लियामेंट के बारे में ताकि आपको क्वेश्चन समझने में ईजी रहे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस टू द नेशन पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑन टेंट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिस बिल्डिंग वॉज डिजाइन बाय आर्किटेक्ट बिमल पटेल इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स अब हम समझते हैं रीजनल लैंग्वेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया था नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज बीन बुल्ड इन ट्राइंगुलर शेप एंड हैज़ फोर फ्लोर्स बुलेटिन सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्वायर मीटर्स द न्यू पार्लियामेंट हैज़ थ्री डोर्स दे आर नेम्ड ज्ञान द्वार शक्ति द्वार एंड करमा द्वार फ्रेंड्स में यह बताया गया है कि जो नया संसद भवन है ना वो 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 ट्राइंगुलर शेप का है ठीक है ये आपको याद रखना है और ये सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्वायर मीटर्स में बना है और इसमें थ्री डोर्स हैं जिसका नाम है ज्ञान द्वार शक्ति द्वार एंड करमा द्वार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज 888 लोकसभा सीट्स वाइल द राज्यसभा हैज 384 सीट्स देर इज एनफ स्पेसनिट डेट इफ अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इज कॉल्ड ऑल द मेंबर्स कैन कम डूंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस इज मोर देन ट्वेल्व सेवेंटी एम पीज विल बी एबल टू सिट टूगैदर इन द लोकसभा इट्स सेल्फ फ्रेंड्स क्वेश्चन में यह बताया गया है कि जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा में एट हंड्रेड एट्टी एट सीटें हैं राज्यसभा में थ्री एट्टी फोर सीटें हैं और इसमें यह भी बताया गया इस लाइन में कि जब भी संयुक्त तो बैठक बुलाई जाएगी मतलब ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी तो सभी के सभी जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा में आ सकते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स हम ना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के जाना बहुत हेल्प मिलेगी आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुई इनागरेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया ऑन ट्वेंटी एट मई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री राइट आंसर इज ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जो कि फ्रेंड्स हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने अट्ठाईस मई दो हजार तेईस को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है कहाँ पर किया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन When did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of new Parliament House Right answer is right answer is option C 10 December 2020 10 December 2020 को फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन की आधारशिला रखी थी नई दिल्ली में ये आपको याद रखना और मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि जो इसका उद्घाटन हुआ है वो कब हुआ है वो हुआ है 28 May 2023 को ये भी आपको याद रखना है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी हैज प्रिपेयर द डिजाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन डी एच सी पी डिजाइंस एच सी पी डिजाइन डेफेंस जो नया संसद भवन बना है इसका डिजाइन तैयार किया है ये भी आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन को समझते हैं द न्यू पार्लियामेंट हैज़ डिजाइन बाय गुजरात बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर्म एच सी पी डिजाइन नौ नेक्स्ट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क करना है इस क्वेश्चन को आप विच कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने फ्रेंड्स नए संसद भवन का निर्माण करा है नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द शेप ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्राइंगुलर फिर जो नया संसद भवन है इसका आकार कैसा है ट्राइंगुलर है फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो इमेज में आप यहाँ पे देख रहे हो इमेज में इसका शेप कैसा है कुछ इस पर इस तरीके का है और ये कैसा शेप है ट्राइंगुलर शेप है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया लोकेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्यू दिल्ली भारत का जो फ्रेंड्स नया संसद भवन है कहां पर है नई दिल्ली में है नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन के काफ़ी ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के तो क्वेश्चन है हमारा हु इज दी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन बी बिमल पटेल बिमल पटेल जो है फ्रेंड्स ये नई संसद भवन के मुख्य वास्तुकार है ठीक है फ्रेंड्स ना नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज प्लेस नेक्स्ट टू द सीट ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द टाइम ऑफ इनाग्रेशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेंगोल सेंगोल जो है फ्रेंड इसको रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में फ्रेंड्स ये समझते हैं कि सेंगोल है क्या काफ़ी बार ये वर्ड आ रहा है तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द स्टोरी ऑफ सेंगोल टू बी बैप्ट इन अ न्यू पार्लियामेंट हाउस इज एक्चुअली रिलेटेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड द कंट्रीज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड जी जो सेंगोल की स्टोरी है ना ये किससे रिलेट करती है इंडिया के इंडिपेंडेंस इंडिया के मतलब तो भारत की आज़ादी से और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू से इन अगस्त 1947 व्हेन इंडिया वाज बीइंग गिवन इंडिपेंडेंस अस कैप्टर यानी कि सेंगोल गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर नेहरू एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडियन लीडर्स वी बिलीव टू फ्रॉम द चोला डायनेस्टी ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच प्रोजेक्ट द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान फ्रेंड जो नया संसद भवन का निर्माण है ये किस परियोजना के तहत किया गया यानी किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है तो आपका आंसर होगा सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्लान ना अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिक्सटी फाइव थाउजेंड स्क्वायर मीटर्स सिक्सटी फाइव थाउजेंड स्क्वायर मीटर जो है फेर अप्रोक्सीमेट एरिया है न्यू पार्लियामेंट हाउस का नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करना हाउ मैनी सीट्स आर देयर फॉर द लॉक्स लोकसभा इन दार्लीमेंट हाउस संसद भवन के में लोकसभा लिए कितनी सीटें हैं फ्रेंड्स सी, ये नई संसद भवन की बात हो रही है तो उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 888 सीट्स यानी कि 888 सीट्स हैं लोकसभा में न्यू पार्लियामेंट हाउस में और फ्रेंड्स ये जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा द लोकसभा चैम्बर हैज़ बिन डिज़ाइन ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोकसभा है मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लोकसभा में सीटें कितनी हैं 888 हंड्रेड एट्टी एट हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये किस थीम पर बेस्ड है लोकसभा तो आपका आंसर होगा नेशनल बर्ड पीकॉक पे नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर राज्यसभा इन न्यू पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन डी 384 सीट्स नई संसद भवन है फ्रेंड्स राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं 384 सीट्स हैं ये आपको याद रखना है अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं द राज्यसभा चैम्बर हैज बीन डिजाइन ऑन द थीम ऑफ नेशनल फ्लावर लोटस तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ राज्यसभा में कितनी सीटें है? सीट हैं आप बोलोगे 384 सीट्स हैं पूछा जाए कि किस थीम पे बेस्ड है राज्यसभा तो आपका आंसर होगा नेशनल फ्लावर लोटस पे नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन डी ट्वेल्व हंड्रेड करोड़ रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड करोड़ रुपीज खर्चा आया फ्रेंड्स नई संसद भवन को बनाने में यह आपको याद रखना है नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी रुपीज कॉइन हैज़ बीन रिलीज ऑन द इनाग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन डी सेवेंटी फाइव रुपीज़ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया सेवेंटी फाइव रुपीज़ का सिक्का जारी किया गया है फ्रेंड्स ये देख सकते हो इमेज में ये है सेवेंटी फाइव रुपीज़ का सिक्का जो कि टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में जो न्यू पार्लियामेंट बना है जिस दिन की इनग्रेशन हुई है उस दिन इसको रिलीज किया गया है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी स्टोरीज इज इज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग राइट आंसर इज ऑप्शन बी

नेक्स्ट क्वेश्चन लार्ज हॉल विद हाउ मनी सीट बीन मेड फॉर द्वटन इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्वेल्व सेवेंटी ट्वेल्व सेवेंटी टू सीट नई संसद के लिए यह या आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कमिटी रूम्स हैवन है कितनी समिति कक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज़ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस कंप्लीटेड फ्रेंड्स अब आपको ना टू थ्री क्वेश्चंस मैं आपको ना ओल्ड पार्लियामेंट से रिलेटेड करवा देता हूं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें व्हेन वाज़ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस कंप्लीटेड राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1927 पुराना संसद भवन जो था फ्रेंड्स ये 1927 में बनकर तैयार हुआ था द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट वाज लेड ऑन ट्वेंट ट्वेल्व फेबर नाइनटीन इट्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स लास्टेड फॉर अबाउट सिक्स इयर्स थस दैट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन ने फ्रेंड्स पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था कब किया था 18 जनवरी 1927 बाय वॉइस राय लॉर्ड इरविन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्रिटिश आर्किटेक्ट डिजाइन द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ सुटेबल यानी कि एडविन लुट एंड हर्बर्ट बैककर इन दोनों ने फ्रेंड्स डिज़ाइन किया था ओल्ड पार्लियामेंट को नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी लोकसभा सीट्स वर देअर इन ओल्ड पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन बी फाइव फोर्टी थ्री सीट्स पुराने संसद भवन में कितनी लोकसभा सीटें थी फाइव फोर्टी थ्री सीट्स थी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सीट्स वर देयर फॉर फॉर द राज्यसभा इन द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस राइट आंसर इज ऑप्शन ए 250 सीट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन हंड्रेड आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर इज अ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट राइट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 79 आर्टिकल 79 जो है फ्रेंड्स भारतीय संविधान का इस अनुच्छेद में संसद के संसद के गठन के बारे में बताया गया है वन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इन द इंडियन पार्लियामेंट राइट आंसर इज ऑप्शन ए थ्री भारतीय संसद के थ्री पार्ट हैं ठीक है कौन कौन से हैं प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा वन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट राइट आंसर इज ऑप्शन सी टू टू हाउसेज हैं इंडियन पार्लियामेंट में राज्यसभा एंड लोकसभा और आपको बताना चाहता हूँ जो अपर होता है वो होता है राज्यसभा लोअर होता है लोकसभा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद आप सभी के लिए टू क्वेश्चन का टेस्ट भी है क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज डिराइव फ्रॉम विच कंट्री राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रिटेन भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है ब्रिटेन देश से ली गई है फ्रेंड्स अब आपके टू क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है अगर आपको वीडियो की क्वालिटी वीडियो का कॉन्टेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन वन वाज द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस कंप्लीटेड फोर ऑप्शन है फ्रेंड दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है ठीक है फ्रेंड्स और आप टेलीग्राम पे आपको हमारा इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम का नाम है रवि अदिति क्लासेस यहां पे आप सभी के लिए मैं लिख देता हूँ रवि अदिति क्लासेस ठीक है कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना वीडियो कैसी लगी है मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट